नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं अबुआ दिशुम अबुआ राज। बिरसा मुंडा जेल के बड़ा बाबू मोहम्मद दानिश पूछताछ के लिए ईडी के जोनल कार्यालय में पेश हुए। दानिश के ऊपर जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद प्रेम प्रकाश और ईडी के अधिकारियों के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है, जिसका संबंधित सबूत 3 नवम्बर की छापेमारी में ईडी के हाथ लगा है। हजारीबाग के चर्चित कोल व्यवसायी सह होटल संचालक अभय सिंह के सुरेश कॉलोनी स्थित आवास और उनके ऑफिस पर पटना जीएसटी की टीम ने छापेमारी की। बता दें कि यह पूरा मामला टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ है। सूत्रों के अनुसार छापेमारी में भारी मात्रा में नकद जब्त की गई है। झारखंड के नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने एक दूसरे को पुष्पगुच्छ देकर बधाई दी। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने नेता प्रतिपक्ष को बधाई दिया और कहा कि अमर बावरी एक तेज तर्रार नेता है और उनके नेतृत्व में राज्य के मुद्दों को विधानसभा के पटल पर प्रमुखता से रखा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी मिलने के बाद पहली बार आदरणीय अपने विधानसभा अध्यक्ष महोदय से शिष्टाचार मुलाकात के लिए आए हैं और इस विधानसभा को झारखंड के 3.25 करोड़ जनता के उपयोगी बनाने के लिए अपनी जो भी भूमिका होगी, आप हमारे संरक्षक हैं, आपके नेतृत्व में हम सब यहाँ करने वाले हैं। इस भूमिका में आपने जो शुभकामनाएं दी हैं उसका ऐसा हृदय धन्यवाद देते हुए राज्य की जनता को जरूर कहूँगा कि जो दायित्व इस विधानसभा ने मुझे दिया है उसका मैं पालन करने की पूरी चेष्टा करूँगा। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के कर्मियों ने मंगलवार को अपनी मांगों के समर्थन में अर्धनग्न प्रदर्शन किया है। अपनी 5 सूत्रीय मांगों के समर्थन में पंचायत स्वयंसेवक संघ के कर्मियों का जत्था हरमू मैदान से जेएमएम कार्यालय की ओर कूच कर गया। इनकी मांग थी कि सरकार इनका समायोजन करे और स्थायीकरण करे। बता दें कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के कर्मी जुलाई माह से अपनी मांग को लेकर राजभवन के समक्ष धरना दे रहे हैं। मांग है पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक 10 सदस्य मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री से वार्ता किया जाए और दूसरा मांग है हमारे पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक को नाम बदलकर सहायक किया जाए और हम लोग को अस्थायी किया जाए और मानदेय लागू किया जाए और पांचवा मांग है पंचायत विभाग से हम लोग को समायोजन किया जाए। कर्मी से हमारा विशेष अनुरोध है कि हमारे जो मांगे हैं समस्याएं हैं वो झारखंड का परे तो जन जन से पहुंचाए। और दूसरी जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका प्रश्न है, हाँ, जिस तरह इनका रवैया है, आज 124 दिन हो गया, जिस तरह हम जितना पूजा हमारा चाहे दुर्गा पूजा हो चाहे जो भी त्योहार हो सबका बीत गया, चाहे ईद हो सबका बीत गया, जिस तरह इनका रवैया है, ये जिससे सोचे हुए है जैसा लग रहा है, ठीक है, ये मांग को पूरा नहीं करना चाहती और हमारा फ्यूचर को ये बर्बाद करना चाह रही है। हम तो बर्बाद हो ही गए सर, हमारा जो बच्चा है, जो देश का राज का फ्यूचर है वो भी बर्बाद हो रहा है। तो ये हमारे इनको बड़े भाई मानते हैं हम लोग, ये हमारे जो 5 सूत्री मांगे हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करें। रांची में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन बीजेपी के नवनियुक्त विधायक दल के नेता सह नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के सम्मान में रखा गया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को जो सम्मान दिया है वो अविस्मरणीय है। वहीं भ्रष्टाचार को लेकर भी उन्होंने गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में कुशासन की सरकार चल रही है और राज्य की जनता को अब परिवर्तन चाहिए। अपने वहां से जो भी कीजिएगा उस तरफ से। धनबाद में अराजकता और गुंडागर्दी के खिलाफ बाघमारा में आजसू के नेतृत्व में एक विशाल प्रतिवाद यात्रा निकाली गई। यात्रा महेशपुर पेट्रोल पंप से निकलकर प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए नवागढ़ चौक पहुंची, जहां विनोद बिहारी महतो के आदमकद प्रतिमा पर गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने माल्यार्पण कर यात्रा का समापन किया। वहीं सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। आए दिन व्यापारियों के साथ रंगदारी को लेकर बमबाजी और गोलीबारी जैसी घटनाएं घट रही हैं। धनबाद में विशेषकर कोयला माफिया
इतना सक्रिय है और जिस प्रकार पुलिस प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा वैसे गुंडा लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है और जो छोटे मोटे व्यवसायी हैं उनको भी कई बार धमकी दिया जा रहा है, उससे अवैध वसूली किया जा रहा है। इसलिए पूरे कोयलांचल क्षेत्र में एक दहशत का माहौल है। इसके में आप देखे होंगे कई के हत्या भी हुई है, कई एक बार गुंडागर्दी फायरिंग भी पुलिस फायरिंग भी हुआ, लेकिन आज तक कोई ना अपराधी पकड़े गए न और किसी प्रकार का कोई कार्रवाई हुई। आप समझ सकते हैं इसका नतीजा यही है कि आने वाले समय में धनबाद कोयलांचल में जो एक जो दहशत का माहौल है, यहाँ से लोग व्यवसायी पलायन करने के मूड में व्यवसायी सड़क पर उतर कर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे राज्य में किस प्रकार विधि व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा हो रहा। इसलिए आजू पार्टी भी इसका प्रतिकार यात्रा निकाला है, जरूरत पड़ेगा तो और भी आगे उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे और झारखंड में जो अराजकता है, जो गुंडागर्दी है, इसको किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी इसका पुरजोर विरोध करे। झारखंड सरकार की ओर से 15 नवंबर से 29 दिसंबर तक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर धनबाद जिले के निरसा प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कुमार कर्मकार की अध्यक्षता में 11 कुंड उत्तर पंचायत भवन में आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर सभी मुखिया और कार्यक्रम से जुड़े सभी पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ताकि कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। 15 नवंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है और उसी के आलोक में सारे विभाग और हमारे सारे माननीय को सूचना दिया गया ताकि आवश्यक तैयारी करें और हम लोग जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसको अच्छे से सफल रूप करें, उसी को लेकर के। धनबाद पुलिस इन दिनों लगातार प्रिंस खान के खिलाफ कार्रवाई करते नजर आ रही है। जिले में आपराधिक गतिविधियों में प्रिंस खान का साथ देने वाले गिरोह के लोगों को पुलिस ध्वस्त करने में जुट गई है। वहीं सिटी एसपी अजित कुमार ने बताया कि पकड़े गए दोनों अपराधी प्रिंस के गिरोह तक पैसे पहुंचाने का काम करते थे। संख्या 344 के कांड के अनुसंधान के क्रम में दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त विशाल नंदी एवं अरशद हुसैन हैं। ये दोनों अभियुक्त प्रिंस खान गैंग के लिए पैसे के लेन देन का करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से दो मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन एवं 68,000 रुपये की गिरफ्तारी की गई, बरामदगी की गई है। किन किन मामलों से वांछित थे ये? इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। धनबाद जिले के SBI ISM शाखा में 1.02 करोड़ रुपए का गबन का मामला प्रकाश में आया है। इसको लेकर सराय ढेला थाने में शाखा के ही दो कर्मियों को आरोपी बनाते हुए शिकायत दर्ज करवाई गई है। लिखित शिकायत में शाखा के ही कैश इंचार्ज कालाचंद रविदास और सर्विस मैनेजर अतुल कुमार जॉन बारला को मामले में आरोपी बनाया गया है। इधर पुलिस से शिकायत करने के बाद दोनों कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। जायजा लिया हमारे संवाददाता शरद चंद्र ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ISM ब्रांच में इन दिनों एक घटना घटी है जो कि सुर्खियों में है। यहां पर 1.02 करोड़ रुपए के गबन का मामला आया है और इसकी शिकायत धनबाद के सराय ढेला थाने में दर्ज की गई है। मामला यह है कि यहां के दो कर्मचारियों पर आरोप लगा, एक काला चंद रविदास और अतुल कुमार। इन दो कर्मचारियों पर बैंक के कैश को मेंटेन करने का कार्यभार था और इनके ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने 1.02 करोड़ रुपए के गबन इन्होंने किया है और इस संबंध में यहाँ के जो प्रबंधक है, ब्रांच मैनेजर हैं कुणाल कुमार, ने लिखित शिकायत की है सराय ढेला थाने में। हालांकि प्रबंधक जो है कैमरे पर कुछ ही बोलने से इनकार उन्होंने कर दिया, लेकिन जो जानकारी हमारे पास प्राप्त हुई है उसमें यह स्पष्ट है कि इन दो कर्मचारियों के द्वारा पैसे का गबन किया गया है। हालांकि यह पुलिसिया जांच अभी बाकी है, पुलिस ने इस संदर्भ में जांच शुरू कर दी है। अपने सहयोगी राजा हैदर के साथ शरद पांडे, TV45 के लिए। धनबाद में अंचलाधिकारियों के तबादला होने के बाद से अंचल कार्यालय में आवासीय और आई सर्टिफिकेट बनाने वाले और म्यूटेशन का कार्य करवाने के लिए परेशानी बढ़ गई है। हालांकि अतिरिक्त पदभार के रूप में धनबाद के BDO को अंचल कार्यालय का पदभार दिया गया, लेकिन पदभार लेने के बाद से एक बार भी BDO महोदय कार्यालय नहीं पहुंचे हैं, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विकास कुमार ने। नवरात्र के दौरान हुए अंचल अधिकारियों के तबादले के बाद से धनबाद अंचल
कार्यालय पूरी तरह से सूना है या फिर यूं कहें कि अधिकारी के बिना वीरान है। अभी तक अस्थाई रूप से कोई भी अंचल अधिकारी धनबाद अंचल कार्यालय में पदस्थापित नहीं किए गए हैं। फिलहाल धनबाद वीडियो को ही इसका अतिरिक्त पदभार दिया गया है। हम इस वक्त अंचल कार्यालय में हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे यह अंचल कार्यालय है और अंचल कार्यालय में जो तमाम कार्यरत कर्मी हैं वो यहाँ पर तो आते हैं, लेकिन अतिरिक्त पदभार पे यहाँ पे यहाँ के वीडियो को दिया गया है। और बता दें आपको कि जातीय आय और आवासीय प्रमाण पत्र से के जो है 750 से अधिक आवेदन लंबित है। और बता दें सिर्फ यही नहीं बल्कि जो जमीन मोटेशन से संबंधित कागजात हैं वो 2100 से अधिक आवेदन पेंडिंग है। कारण ये एक ही है कि अंचल निरीक्षक का जो लॉगिन है वो बंद पड़ा हुआ है और 10 अक्टूबर से ये बंद पड़ा है। और देख सकते इससे पहले जो प्रशांत लायक यहाँ पर थे उनका देवघर तबादला हो गया, जिसके बाद से किसी भी अस्थायी रूप से यहाँ पे अंचल कार्यालय में अधिकारी अंचल अधिकारी का स्थापना नहीं हुआ, जिस वजह से देख सकते हैं कि कार्यालय जो है वो बंद रहता है। और बंद रहने का कारण यही क्योंकि फिलहाल अभी यहाँ धनबाद में के जो यहाँ के वीडियो हैं उनको अतिरिक्त पदभार दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों की परेशानियाँ बढ़ गई होगी, जिनको जमीन प्रमाण पत्र बनाना हो, आय बनाना हो, निवास बनाना हो, उनको पूरी तरीके से कह सकते हैं कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत कुछ ऐसा है जो काम मैंने होता है और बहुत ऐसा है जो सीओ साहब के जो अंदर में है वो काम नहीं हो पा रहा है। मतलब जैसे जो आय बनाने के लिए आता है जो या फिर निवास प्रमाण पत्र बनाने आ रहे हैं वो भी लौट के जाते होंगे। हाँ वो भी लौट के जाते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी भी हो रही है। हाँ परेशानी तो है आदमी को। अभी तक उनको मतलब कह सकते हैं कि अस्थायी रूप से सीओ नहीं मिला। हाँ अस्थायी रूप से सीओ अभी नहीं आया। हालांकि तबादले के बाद से अभी तक यहाँ पे किसी भी अधिकारी की अस्थायी रूप से नियुक्ति नहीं की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक यहाँ के लोगों को अस्थायी रूप से अधिकारी नहीं मिलने से परेशानियों का सबब बना रहता है, आखिर कब तक उन लोगों को यहाँ पे अस्थायी रूप से जो अंचल अधिकारी है वो मिल पाते हैं ताकि इन लोगों का जो परेशानियाँ हैं उनका एक निदान हो सके। कैमरामैन अखिलेश के साथ विकास कुमार, TV45 धनबाद।